मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मसूरी महिला कांग्रेस द्वारा मसूरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में मसूरी उपजिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए, वहीं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई है। इस मौके पर जसवीर कौर ने कहा है कि स्वर्गीय राजीव गांधी नए भारत के निर्माता थे, जिन्होंने देश में सूचना क्रांति लाकर देश को तकनीक के क्षेत्र में विश्व स्तर पर खड़ा किया था। वहीं युवाओं को मतदान का अधिकार देकर जिम्मेदारी का एहसास कराया। पंचायती राज एक्ट देश के ग्रामीण क्षेत्रों को सत्ता में भागीदार का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही जसवीर कौर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि है, क्योंकि क्रूर हाथों द्वारा दूर कर दिया गया था। और आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कि छोटी सी उम्र में इस देश के लिए इतने काम कर गए कि जिसकी कमी को हम आज तक पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े ही समय के लिए वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने में IT उन्हीं की देन है जो आज हमारे देश में बच्चों को इतना नौकरियां मिल रही हैं, इतने IT के अंदर इतने कार्य हो रहे हैं। मोबाइल जो आज हमारे हाथ में है ये उनकी देन है, लैपटॉप उनकी देन है, और IT टेक्नोलॉजी ये सब उन्हीं की देन है, और 74वां संशोधन उनकी देन है। 18 साल की उम्र में जो बच्चों को 21 साल की उम्र में जो वोटिंग का अधिकार उनकी देन है, पंचायतों का संशोधन उन्हीं की देन है, महिलाओं का आरक्षण उन्हीं की देन है। तो उनकी इतनी देन है कि हम ये सब भुला नहीं सकते। तो ऐसी शख्सियत को मैं सशक्त नमन करती हूँ, और हम हमेशा राजीव गांधी जी को याद रखेंगे, क्योंकि वो एक अपने जब उनका जन्म हुआ था, अपने इंग्लिश में बोलना चाहिए तो कहेंगे कि उनका जन्म विद सिल्वर स्पून इन माउथ हुआ था, चांदी का चम्मच अगर जिसके मुँह में हो। और वो उस राजसी परिवार में जन्म लिया था, परंतु वो इस देश के लिए कुर्बान हो गए। परंतु आज ये कहा जा रहा है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, 70 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया, परंतु जो राजीव जी 4 वर्षों में ये कर गए इस देश के लिए, वो कोई कई वर्ष भी लगा दे परंतु वो क्षति को पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसी शख्सियत को मैं सच्चा नमन करती हूँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।